اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فردهم اللهم صل على محمد هو محمد وعجل والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يوم नदऊ कुल्ल्ल उब इमाम मौजस्मीन ये सिलसिले की आशूर की मजलिस है कि इमामत पर ईमान लाना हर मुसलमान का फ़र्ज है क्योंकि क़यामत के दिन हम इमाम के साथ उठाए जाएंगे हर इंसान क़यामत के दिन इमाम के साथ उठाया जाएगा और हदीसें वो आपने सुनी कि जिसके पास इमाम की मारिफत नहीं है बग़ैर इमाम की मारिफत के मर गया वो जिहात की मौत है मर जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए देखिए कितना अच्छा खुदा का इंतज़ाम है कि आखिरी इमामत पर यानी इमाम महदी अलैहिस्सलाम की इमामत पर किसी मुसलमान फिरके को शक नहीं है जितने इस्लाम के फिरके हैं वो सब इमाम अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हैं पहली इमामत पर इख्तलाफ हो सकता है लेकिन आखिरी इमाम पर किसी मुसलमान फिरके को इख्तलाफ़ नहीं है कि आखिर ज़माने में जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे तो पूरी दुनिया में अमन होगा पूरी दुनिया से फितना ख़त्म हो जाएगा पूरी दुनिया से फसाद ख़त्म हो जाएगा जंगें ख़त्म हो जाएंगी हजरत ईसा भी आएंगे और इमाम महदी भी आएंगे, दुनिया में एक ही मजहब होगा एक ही अकीदा होगा एक ही हुकूमत होगी और दुनिया अमन की जगह हो जाएगी और जन्नत की तरह एक बहस बन जाएगी सल वपुर मोहम्मद लिहाजा हमें आज आज की जरूरत है हम सब इमाम महदी आलाम पर ईमान रखते हैं हमें मुतहद होने की ज़रूरत है दुश्मन हमें लड़ाना चाहता है देखिए ये किराए के कातलों के ज़रिए से दुश्मन क्या करता है कभी उधर धमाका कभी उधर धमाका ताकि शिया सुन्नियों को लड़ाए ये बाकायदा खरीदार लोग होते हैं जिसके दिल में जरा बराबर खुदा की ज़ात पर ईमान हो वो कभी कत्ल नहीं कर सकता कोई मुसलमान तो छोड़िए दूसरे मजाब में भी कत्ल इसी तरह से गुना है ईसाई मजहब में भी कत्ल गुना है यहूदी मज़हब में भी कत्ल गुना है हिंदुओं के यहां भी कत्ल गुना है मराठों के यहां भी सिखों के यहां भी बुद्धिस्ट जितने भी खुदा को मानने वाले मजाहब हैं, कम से कम उनका अकीदा है कि कत्ल करने वाला जहन्नुम के सिवा कहीं और नहीं जाएगा शलमान पड़ी मोहम्मद लिहाजा ये जो कातिल हैं जो ये बम के धमाके कर रहे हैं इनका कोई दीन नहीं कोई मजहब नहीं ये किराए के लोग हैं ये शैतान को खुदा मानने वाले ये शैतान परस्त हैं लिहाजा ये चाहते हैं मुसलमानों के दरमियान लड़ाई हो अहमदिल्ला शिया सुन्नी सब आजादार हैं पूरी दुनिया में आज शिया सुन्नी मिलकर इमाम हुसैन का गम मना रहे हैं हम सब मानते हैं ये झूठा प्रोपेगंडा है हर रोज हम कह रहे हैं कि शियों को कहते हैं कि जनाब अहल सुन्नत जो है यह अहलैद को नहीं मानते और अहल सुन्नत के कान में जाके कहते हैं क्या कि ये जो शिया हैं ये साहब को नहीं मानते मैंने अर्ज़ किया हम अब को मानते हैं नबी के बा वफा साहबी जिन्होंने अपनी जान को कुर्बान कर दिया माल को कुर्बान कर दिया बच्चों को कुर्बान कर दिया क्या हमसे कोई उनकी दुश्मनी है नहीं जो नबी पर फिदा हैं हम उन पर फिदा होने के लिए तैयार हैं जो नबी के गुलाम हैं हम उनके गुलाम बनने के लिए तैयार हैं सलवा पड़े मोहम्मद मोहम्मद करबला में असहाब की तैदाद ज़्यादा है अहल बैत की तैदाद कम है जो शहदा हैं हम असहाब पर भी रोते हैं हम अहल बैत पर भी रोते हैं और इसी तरह से आपको भी ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ़ हम अहल बैत को मानते हैं सिर्फ़ हम इमाम अली को मानते हैं और अहिल सुन्नत नहीं मानते ऐसी बात नहीं है जैसे आपका क़ीदा है वही हमारा क़ीदा है वही सुन्नत का कीदा है वही हम का कीदा है, है। देखिए जितनी आयतें आप सुनते हैं मैंने उनकी किताबों से अहल सुन्नत की भाइयों से वो सारी आयतें आपको पढ़कर कि ये सिर्फ आपका ईमान नहीं है हमारे अहले सुन्नत के भाइयों का भी ईमान है जरमाई या रसूलबल्ली की आयत है आप कहते हैं हजरत अली सलाम की शान में है हुमे गदीर पर नाजुल हुई मैंने बतलाया अहले सुन्नत की किताबों से इंशाल्लाह वो हवाले भी टी पर आते चले जा रहे हैं अहले सुन्नत के सारे मुफसर लिखते हैं हाँ हाँ वो भी मानते हैं साइलम सम बजाब वाकिलकाफ़रीन जिसने हजरत अली की विलायत को न माना उस पर आजाब नाजिल हुआ ये हम भी मानते हैं अहले सुन्नत के सारे मुफसर ने लिखा इन नमा य की आयत को हम भी मानते हैं आय सारे सुन्नत के भाई भी मानते हैं सारी आयतें ये आए जो है, मुबाह है हम भी मानते हैं की मान, लोग भी मानते हैं इन नमा की आयत हम भी मानते हैं मानते हैं हम भी मानते हैं अहल सुन्नत के लोग भी मानते हैं इन अल्लाह हस्तफ़ आदम के अल्लाह ने चुना आदम को नूह को आल इमरान को आल उमरान से कौन मुराद है वो भी मानते हैं आल इमरान से मुराद आल मोहम्मद है सलवाद परी मोहम्मद की आयत वो भी मानते हैं हम भी मानते हैं देखिए जब हम सब चीजें मान रहे हैं हमारे अंदर इतफाक है हमारे अंदर इतिहाद है, है हमारा खुदा भी एक है हमारा नबी भी एक है हमारा किबला भी एक है हमारा कुरआन भी एक है तो फिर भी हम एक क्यों नहीं होते आज हमारी कमजोरी क्या है हम एक नहीं यूनाइट नहीं अगर इस तरह से मुसलमान मिलकर अशर इमाम हुसैन मनाए दुश्मन खौफजदा हो जाएगा अगर मुसलमान मिलकर रमजान मनाए, दुश्मन खौफजदा हो जाएगा उसकी सारी साजिशें खत्म हो जाएंगी अगर शिया सुन्नी मुसलमान मसल इंग्लैंड में ल्यूटन में किसी शहर में शुरू करके देखें मिलके नमाज जुमा पढ़ाएं एक दिन नमाज जुमा शिया पढ़ाए फिर सुन्नी पढ़ाए फिर कोई शाफी मजहब वाला पढ़ाए हम बली पढ़ाए कोई मजहब जो चार पांच फिका है एक एक बदलता रहे अगर इस तरह से हम नमाज जुमा का क्याम करें यकीन जानिए क्योंकि पढ़े लिखे लोग और जो यहां कम से कम यूरोप में रहते हैं उन्हें पता है कि साजिशें कैसे होती हैं और कैसे लड़ाया जाता है क्योंकि आपको यहां ज्यादा पता है बनस्बत पत उन लोगों के जो हिंदुस्तान या पाकिस्तान में रहते हैं साजिशों का आपको ज्यादा पता है आप इंग्लिश जानते हैं आप किताबें पढ़ते हैं यहां ओपन डिस्कशन होता है आपको पता है साजिशें कैसे होती हैं और कैसे लड़ाया जाता है और कैसे हुकूमत की जाती है लिहाजा अगर यहां इस चीज की बुनियाद डाली जाए कि शिया सुन्नी मिल नमाज जुमा काम का करें शिया सुमी कर इस तरह का काम करें तो ये चीज मुमकिन है कि पूरी दुनिया में फैल जाए और पूरी दुनिया से फिर की जाए वाले। लिहाजा हम का कीदा है ईमान रखते हैं ईमान रखते हैं मसलन देखिए हर मुसलमान नमाज में पढ़ता मुस्तकीम ए खुदा मुझे सरात मुस्तकीम पर कायम रख अब ये तफसीर अलबी है अहले सुन्नत की तफसीर है क्या लिखते हैं इसकी तफसीर में अहदराम से मुराद क्या है फरमाते इस सरात मुस्तकीम ए खुदा मुझे सीधे रास्ते पर रख ये सरात मुस्तकीम क्या है यह मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी आल का रास्ता है देखिए हम सिर्फ नहीं मानते आपके भाई अहले सुन्नत भी मानते हैं सरात अल मुस्तकीम सरात मुस्तकीम किन का रास्ता है ये अहल बैद का रास्ता है ये मोहम्मद और आले मोहम्मद का रास्ता है जितने भी हमारे अहले सुन्नत के भाई हैं ना उनका अकीदा है कि अगर नमाज हम पढ़ते हैं लेकिन नमाज में अगर हम अहल बैत पर मोहम्मद आल मोहम्मद पर दरूद न भेजें तो हमारी नमाज कबूल नहीं है कब तो आपने देखा कि फिर काय झगड़ा काय की ना इतफाक क्यों हम एक दूसरे से दूर हैं इसी तरह से दूसरी आयत देखिए खुदा फरमाता मुत्तकी बनो मा सादकीन और सच्चों के साथ हो जाओ अब सच्चे कौन है ये तफसीर तुरंत मंसूर है लिखती है कि यहाँ यह तफसीर लिखती है कि सच्चों से इब्न अबी तालिब के, अली सलाम के साथ हो जाओ सर पर मोहम्मद इसी तरह से ये अहदीस की सारी किताबें तो अब आपने देखा कि आयतें जितनी हम फजाइल में बयान करते हैं वो हमारे अहले सुन्नत के भाई भी उन्हीं आयतों को बयान करते हैं कोई इख्तलाफ नहीं है ये सिर्फ दुश्मन का प्रोपेगंडा है और उस प्रोपेगंडा को खत्म करना हमारा और आपका काम है अब हदीसों पर नजर डालिए जो जो हदीसें हम मानते हैं उन सारी हदीसों को अहले सुन्नत के भाई भी मानते हैं मसलन हदीस इन्नी तारक फीक सकलैन मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं एक अल्लाह की किताब और अहलवैद ऐ लोगों दोनों का दामन पकड़े रहो तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे, ये यह हमारी किताबों में भी है अहल सुनत की तमाम किताबों में ये हदीस बड़ी बड़ी जितनी किताब है इसी तरह से इमाम हुसैन के बारे में हुसैन मिनी व अना मिनल हसैन सिर्फ हम नहीं मानते ये हदीस हमारी किताबों में भी है ये सुन तिरमिजी से लेकर ये सारी अहल सुनत की किताबें हैं उनमें भी है कि ये रसूल ख़ुदा की हदीस है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ जिसने हुसैन से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया असल बात पड़ी मोहम्मद खैबर के बार खैबर के बारे में रसूल खुदा की हदीस है कि मैं कल उसे अलम दूंगा जो मर्द होगा करार होगा गैर फर्रार होगा खुदा का भी महबूब होगा रसूल का भी महबूब होगा हाँ जी ये हदीस अहले सुन्नत की सारी किताबों में मौजूद है ये खैबर वाली हदीस कि ये किसकी शान में है हजरत अली की शान में है इसी तरह से यह हदीस बहुत ही अहम है बहुत ही मारूफ है क्या खुदा ने फरमाया या अली है। बड़ी बड़ी किताबों में ये है। अब हदीसें गिनते चले जाइए हर चीज जो है हम मानते हैं वो हमारे अहल सुनत के भाई भी मानते हैं अजीजा ने गिना

को निकाल दे यू तबर्राबाजी करना ये नुशहरियों का काम है अहल ने मना किया है कुरान ने मना किया है कि किसी के झूठे खुदा को बुरा भला मत कहो वरना तुम्हारे कोई सच्चे खुदा को बुरा भला कहे अहलवैद तो ने मना किया है लिहाजा उधर से कुछ खारजी अनासर हैं जो हजरत अली से बोझ रखते हैं वो नहीं चाहते शिया सुन्नी में इतिहाद हो और हमारे अंदर भी कुछ अनासर जो शिया नहीं हैं बल्कि नुसेरी हैं अंडरग्राउंड वो नुसेरी हैं वो अली अलीसम को खुदा मानने वाले हैं अदीदा नगरामी वो लोग भी नहीं चाहते कि मुसलमानों में इतिहादी मोहम्मद वाले मोहम्मद और एक अजीब चीज आपको बता दूं खारजियों के मजहब में भी कोई फिका ही उनकी नहीं है कोई उनकी किताब नहीं ये सब अंडरग्राउंड मजहब उनकी कोई फिका ही नहीं है नुसेरियों की भी कोई फिका नहीं नुसेरियों की पहचान यह कि यह तकलीद नहीं करते शिया मुसलमान पर तकलीद वाजिब है क्योंकि इमाम जमाना का हुक्म है कि जब इमाम जा रहे थे गैबतेबरा में फरमाया तुम पर वाजिब है जब तक हमारा जहूर ना हो तुम पर वाजिब है ऐसे आलिम की तकलीद करना जो दुनिया में सबसे आलम भी हो और सबसे मुतकी और परहेजगार भी इंसान की फितरत है ना आलिम इल्म के सामने झुकना इंसान की फितरत है शैतान की फितरत में ये चीज नहीं है जो इल्म के सामने ना झुके कि वो इंसानी शैतान है इसी तरह से तकवा और परहेजगारी जिसके अंदर होगी आप उससे मोहब्बत करेंगे उसके सामने झुक जाएंगे मगर शैतान वहाँ भी नहीं झुकता ये इंसान की फितरत में है जहाँ इल्म का कमाल देखता है इंसान झुक जाता है और जहां तकवा देखता है वहाँ झुक जाता है इस्लाम भी दीन फितरत है इमाम ने फितरत के मुताबिक हुक्म दिया हम जा रहे हैं तुम्हें आज़ाद छोड़ के नहीं जा रहे हैं बल्कि तुम पर वाजिब है उस आलम की तकलीद करना जो सबसे बड़ा आलम भी हो और सबसे बड़ा मुश्त हो फरमाया उसका हुकुम, मेरा हुक्म है उसका हुक्म मेरा हुक्म है अगर तुमने उसकी की यानी हमारी की और अगर तुमने उसकी बात को ठुकरा दिया गोया इमाम की बात को ठुकरा दिया मोहम्मद। ये जो है मुताबिक है भाई आप के आंख में कोई प्रॉब्लम हो गया आप क्या करते हैं खुद आंख तो ठीक नहीं करते आगे स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं आप बिल्डिंग बनाते किसके पास जाते हैं जो इंजीनियर हो बिल्डिंग का मास्टर हो इसी तरह से स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो दीन तो एक बहुत बड़ा मौजू है बहुत बड़ा टॉपिक है ये अस्सी नब्बे साल लोगों की उम्र लग जाती है पचास साल पचास साल ये पढ़ते हैं फिर ये जाके मुश्तहद बनते हैं उन्हें पता है इसलिए हुक्म है या तो आप तकलीद करें अगर आप तकलीद नहीं करना चाहते तो आप खुद मुश्तहद बन जाए दो बातें जहात में रहोगे तो शैतान के काम के रहोगे अल्लाह के काम के नहीं रहोगे कैदान तुम्हें गुमराह करता रहेगा अब ये नुसेरी जो है ये तकलीद करते नहीं है जब तकलीद नहीं करते हैं तो न इनका गुस्ल जनाबद सही है न इनका वजू सही है न इनका कोई अमल सही नहीं भाई कैसे गसल करेंगे वो तो किसी की तकलीफ नहीं करते या तो मुशतः हो कुरान हदीस से साबित करके गसल जनाब अगर वाजिब हो गया मैं कैसे उतारूँगा वज़ू हो गया तो कैसे उतारूँगा उन्हें ना वज़ू का पता क्योंकि जब मुश्त की तकलीफ करेंगे तो आप उसको फॉलो करेंगे अब हमारे अहिलसनत के भाई हैं कुछ हनफ़ी हैं वो इमाम हनीफ़ा को फॉलो करते हैं कुछ मालिकी हैं इमाम मालिक को फॉलो करते हैं हम कौन है हम जाफ़री हम इमाम जाफ़र सादिक को फॉलो करते सलवा परी मोहम्मद जवाद या तो इंसान के पास इल्म हो कि इल्म हदीस भी जानता हो ये भी जानता हो ये हदीस जईफ है या कवि है ये रावी इसका झूठा है या सच्चा है उसमें भी तकरीबन पी पीएचडी जितना टाइम चाहिए अरबी चाहिए ये चाहिए यानी दस बीस साल इंसान के लग जाए फिर जाके इंसान सिर्फ तीन सब्जेक्ट में पीएचडी के बराबर होगा जबकि मुज्तहिद जो बनता है कम से कम सात सब्जेक्ट में पीएचडी करता पी एच डी करता है सलवाज तो जिसने गुसल उतारना नहीं सीखा तो वो खुद न है वो अगर कुरान को भी पढ़ रहा है तो सवाब कैसे मिलेगा निजासत में है जिसे वजू करना नहीं आता जिसे गुसल उतारना नहीं आता क्योंकि वो तकलीद नहीं करता ये नुसेरी भी तकलीद नहीं करते और खारजी भी तकलीद नहीं करते सल बात परी मोहम्मद जवाम लिहाजा मैंने कल भी परसों भी कहा था इनसे खतरनाक है ये बहुत खतरनाक है ये यूनिटी होने नहीं देते इनसे खबरदार रहिए होशियार रहिए और खसूसा जो इस साल अरब में लोग जा रहे हैं क्योंकि वहां से मुझे इंफॉर्मेशन बहुत ही बड़े पैमाने के बड़े बारह बाला सतह ऊंची सतह के उलमा ने मुझे बताया कि ये प्रेजिडेंट ने सारशी उलमा को बुलाया था कि लास्ट ईयर अरबईन में कुछ खतरनाक अनासर ने जो नुसेरी थे उन्होंने हजरत बिलाल की कब्र पर तोहन की और मैंने कहा वाक़ेन ये कितने बड़े जालिम हैं कि हज़रत बिलाल जिसकी अजान सुन के फातिमा जहरा गश खा जाती हैं और उसकी आवाज़ में इतनी मिठास अल्लाह ने रखी थी इमाम हसन हुसैन जिसके आशिक और उनके लिए दुआ करते हैं इन जालिमों ने ये यह नहीं है ये शिया नहीं है शिया सारे साहब जो नबी के सच्चे आशिक हैं उनका एहतराम करते हैं हजरत बिलाल का हम एहतराम करते हैं इन्होंने वहाँ हज़रत बिलाल के कब्र पर पत्थर मारे और रुक कामे गए वहां साहबी हजरत अली की कब्र पर पत्थर मारे और हुकूमत ने सख्त नोटिस खतरनाक लोग हैं ये नहीं मालूम किस एजेंट हैं या शैतान के एजेंट हैं इस साल जो है पूरी इंटेलिजेंस जो अलर्ट है क्योंकि अगर इन लोगों के साथ कोई चला गया तो वो भी प्रॉब्लम में मुबतला हो सकता है सलवाद वाले मोहम्मद लिहाजा हम सब पर ये फरीदा है हम अपने अंदर से शिया हज़रत नुसेरियों को निकाल के फेंक दें यही नुशैरिया जो अलम को सजदा करते हैं हमारे यहां सजदा हराम है सजदा सिर्फ मजहबी शिया में खुदा के लिए जुलझना के सामने सजदे करते ये नुशहरी हैं इन्हें निकालना वाजिब है वरना पूरा मज़हब हमारा बदनाम हो जाएगा हमारा मजहब अकल का मजहब है हमारा मजहब कुरान का मजहब है हमारा मजहब अहलबैत का मजहब है हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हमारे पास कुरानी आयत की भी दलील है सही हदीस की भी दलील है और अकल की भी दलील है लिहाजा आप भी हो रही आप भी नौजवान खबरदार रही कोई काम तब तक न करें जब तक कि दलील ना हो कुरान की दलील होनी चाहिए हदीस की दलील होनी चाहिए और अकली दलील होनी चाहिए और उसके साथ अलमदिल्ला मैं नौजवानों से अपील करूंगा कि देखिए आप मुसलसल बहुत अच्छी बातें सुन रहे हैं और अमल भी कर रहे हैं लेकिन सिर्फ दस दिन काफ़ी नहीं है बल्कि अगर आप चाहते हैं कि जिहाद अकबर में कामयाबी आप हासिल करें इमाम ज़माना के सिपाही बने इमाम महदी महदीआसम के जहूर के लिए काम करें तो सिर्फ ये नहीं कि दस दिन आए बल्कि आप हर शब जुमा भी आइए हर जुमे के दिन भी आइए और इमाम ज़माना की दुआ दुआए नदबा पढ़ें अगर जुमे को नहीं आ सकते दिन तो वही मखसूस है मगर दुआ कभी भी पढ़ी जा सकती है आप सैटरडे को एक अंजुमन इमाम जमाना के नाम से बनाइए इस यहाँ पर बेहतरीन आलम भी आपके पास है आप जुमा नहीं तो सैटरडे भी आकर दुआएं नुतबा भी पढ़ें मातम भी करें नोहा भी पढ़ें दुआ भी करें देखिए खुदा आप पर किस तरह से रहमत नाजिल फरमा तो फरमा ये ज़रूरी है कि नौजवान एक अंजमन बनाएं क्योंकि इसकी बहुत अशद दरूर, ज़रूरत है जब तक आप लोग अजमन नहीं बनाएंगे तो नशैरी इसी से फ़ायदा लेते हैं कि वो जनाब मातम के ज़रिए से हमारे नौजवानों को केश करके और आहिस्ता आहिस्ता उनमें गलत नुशैरीत की रसूमा डालते हैं लिहाजा हर अंजमन हर इमाम बारगा में ज़रूरी है मसल हमारे पाकिस्तान में तो कई हज़ार अजमने हैं लेकिन यहाँ पर कोई अंजमन नहीं है लिहाजा एक अंजमन होनी चाहिए यहाँ पर भी जहाँ भी जुलूस हो आप नौजवानों को पहुँचना चाहिए ताकि हकीीकी आज़ादारी का पता चले कि आजादारी किसे कहते हैं आजादारी वो नहीं है जो नुशेरी करते हैं आजादारी वो है जो बीबी जैनब करती है और आज़ादारी में नमाज तहजद की शर्त है आज़ादार वो है जिसकी नमाज तहज कजा ना हो ये बीबी जैनब ने भी कहा और इमाम जैनआबद्दीन ने भी कहा अजीदा ने गिरामी ये नुशैरी भंग पीते हैं ये नुशैर चर्स पीते हैं ये आजादार नहीं क्योंकि ये पाकों का मजहब है इन नहरकम तहलैद से हर निजा दूर है जर्स पीने वाला भंग पीने वाला वो अहलबैत से अमलन दूर है नजदीक नहीं है तो निजासत से दूर है, जो नशा पिए वो अहल के नजदीक नहीं है, वो वोलै से दूर है ये नुसेरियों को समझिए ये हमारे मजहब को बर्बाद कर रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारा मजहब पाक है हम जो करते हैं कुरान के मुताबिक करते हैं हम जो करते हैं हदीसे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक और फरमाने इमाम और अक्ल के मुताबिक सलवाद पढ़ी मोहम्मद मोहम्मद और उधर से वो भी बहुत खतरनाक और खबीस हैं खवारजी वो क्या कहते हैं शिया काफिर ताकि मुसलमानों को लड़ाएं उनका कहा कि इनका क्या काम है नुसेरियों को कि ये असहाब को बुरा भला कहते हैं और खारजी क्या शियों को काफिर कहते हैं अजीजा ग्रामी ये भी बिल्कुल झूठ है ये भी झूठा प्रोपेगंडा है किसी मज़हब को आप काफिर नहीं कह सकते आप देखिए सही बुखारी को खोलिए जितनी भी अहले सुन्नत की बड़ी बड़ी किताबें हैं भाई ईमान क्या है इस्लाम क्या है किसको कहते हैं मोमिन किसको कहते हैं मुसलमान क्या शर्तें हैं सही बुखारी में भी हैं सारी किताबों में जो ला पढ़े जो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे जो नमाज़ पढ़े जो जकवात दे जो हज पर जाए आप उसे काफिर नहीं कह सकते जो ये काम करता है वो अल्लाह की नजर में भी रसूल की नजर में भी मुसलमान और मोमिन ये अहले सुन्नत का गीदा और इंशाल्लाह बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जो आते चले जाएंगे टीवी पर कि जनाब आप किसी को काफिर नहीं कह सकते जो नमाज भी पढ़ रहा है रोजा भी रख रहा है जकत का भी मुनकर नहीं हज पे भी जा रहा है अहले किबला को काफर कहना बहुत बड़ा गुनाह है कि इसकी तशरी है कि अगर कोई बड़ा गुनाहगार भी हो तो वह गुनाहगार तो है मगर आप उसे काफिर नहीं कह सकते सल बात पर मोहम्मद और मैंने कल भी परसों भी कहा था कि मौलाना मोहम्मद इसहाक़ साहब ये सी डी आप ज़रूर ख़रीदें अहल सुनत के भाई अहल सुनत के बहुत बड़े आलम हैं और गालिबा हमारे दोस्त ने कहीं इंटरनेट पर उसकी तकरीर भी रखी है कि जो लोग दूर दूर से दूसरे शहरों दूसरे मुल्कों में तकरीर सुन रहे हैं वो भी जाके इस तकरीर को डाउनलोड करें और पूरे मुल्क पूरी दुनिया में फैलाएँ क्योंकि मोहम्मद इसहाक़ साहब ने एक ऐसा फार्मूला बताया है इतिहाद बैन के लिए कि आज तक किसी आलिम ने ऐसा फार्मूला नहीं दिया कि कैसे सारे मुसलमान मुतहद हो अपने अपने मजहब पे रहें मगर मुतहद हो सकते हैं हनफी हनफी रहे अहले हदीस अहले हदीस रहे शिया शिया रहे मगर कैसे हम आपस में मुतह होकर और दुश्मनान इस्लाम का मुकाबला कर सकते हैं वाकया अगर मोहम्मद इसहाक साहब को सानिय कायद आजम कहें का तब भी कम है सानियमाबाल का कहें तब भी कम है क्योंकि इस वक्त जो बहुत सख्त वक्त है मुसलमानों के लिए बहुत परेशान कुल मसला है मुसलमान हर जगह मारे जा रहे हैं मौलाना मोहम्मद शाह साहब ने यह फार्मूला देकर पूरे दुनिया के मुसलमानों पर ान किया है और हम सबको चाहिए कि इस फार्मूले पर अब असल मौजूद की तरफ हमारा मौजूद है जिहाद अकबर इस सिलसिले की ये आखिरी मजलिस है कल शाम गरीबा होगी मजलिस में शायद जो बातें रह गई जिहाद अकबर के बारे में वो अर्ज कर दिए जाएंगे देखिए जिहाद अकबर क्या है अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैदान में जाके काफरों से लड़ना यह छोटा जिहाद है छोटी जंग है लेकिन अपने नफ्स के खिलाफ लड़ना ये बड़ी जंग है ये बड़ा जिहाद है क्यों बड़ा जिहाद है इसलिए कि ये जंग जो है रुकने वाली नहीं है कि एक दिन लड़ें दस दिन लड़ें एक महीना फिर खत्म हो जाए जब तक आप जिंदा हैं ये जंग चलती रहती है कहाँ चलती है मैदान आपका वजूद है आपके सीने में ये जंग चलती है किन के दरमियान अल्लाह कह रहा है कुरान में दो ताकतें हैं तेरे अंदर एक है नफ्स नفس, इन नफ्सल अम्मा तुम बिस नफ्स जो है वो गुनाह चाहता है वो तुम्हें गुनाह की तरफ ले जाना चाहता है शराब की तरफ ले जाना चाहता है पब की तरफ ले जाना चाहता है जिना बदकारी की तरफ सिनेमा की तरफ हराम की तरफ चोरी की तरफ डाके की तरफ यह नफ्स का काम ही यह है मगर अल्लाह ने सिर्फ तुझे नफ्स नहीं दिया अल्लाह ने तुझे दूसरी ताकत दी है उसका नाम क्या है कुल रूह मिन अम रब्बी वो अल्लाह का रूह यानी अल्लाह का अम्र है अल्लाह की तरफ बुलाने वाली ताकत है नेक काम कराने वाली ताकत है देखिए एक इंसान है ना एक मरतबा गुनाह कर है फिर उसके बाद पशमान होता है फिर मैं बताऊंस एक आदमी उससे बच्चे को तमाचा मारा अब वो बच्चा रोने लगा, अब उसे मनाने लगा उसको टॉफी दे रहा है तो मारा था अब आप क्यों मना रहे नहीं, नहीं जब इन्होंने मारा था तो उस वक्त इनके ऊपर थी, थी जब बच्चे के आंसू देखे तो रू ने शर्म दिलाई क्यों बच्चे को मारा बच्चा है आखिर कोई उसके पास दाखिल तो नहीं अब रूह ने उसे पशेमान किया शर्मिंदा हो गया अब इसे मना रहा है अब आप देख रहे हैं ना कि हमारे वजूद के अंदर दो ताकतें हैं कभी नफ्स की हुकूमत कभी रूह की हुकूमत जब नफ्स की हुकूमत हो जाती है हम गुनाह कर गुजरते हैं गाली कर देते हैं गीबत देते हैं गुस्से में आ जाते हैं नफ्स शैतान है आखिर शैतान का नुमाइंदा लेकिन जब रूह की हुकूमत होती है हम पशेमान हो जाते हैं तोबा करते हैं आंसू लोगों से माफ़ी मांगते भी हमने गलत कहा सलवा पड़ी मोहम्मद मोहम्मद अब तकरीबन बहुत सारे हथियार हमने सुनाए कैसे नफ्स को शिकस्त दें भाई हमारे अंदर ये नफ्स है इसको खंजर नहीं मार सकते हैं तलवार नहीं मार सकते हैं। वो हथियार चलाएं जो क़ुरान ने बताए या अहलवैद ने बतलाए आपने सुना तोबा भी एक हथियार है और इसी तरह से जिक्र खुदा भी हथियार है विलायत भी हथियार है ये सारे हथियार जो हम बयान कर चुके नमाज़ भी हथियार है तकवा भी हथियार है आज क्योंकि आखिरी मजलिस है मैं मुख्तरा तीन हथियार बतलाता हूँ बल्कि चार और ये तीन चार हथियार अगर आपने तैयार कर लिए इंशाल्लाह इस जहाद अकबर में आपको कामयाबी होगी और क़ुरान कह रहा है कि जब तूने नफ्स को शिकस्त दे दी तो जबरील तेरा नौकर बनने के लिए तैयार जबरील जैसा फरिश्ता तुझ पर नाजिल हो जाएगा फरिश्ते तेरे गुलाम बनने के लिए तैयार हैं। अल्लाह अकबर फरिश्ते तुझ पर नाजिल होंगे आई इंसान अगर तू नफ्स को शिकस्त दे दे तू फरिश्तों को देख सकता है पड़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद हजरत अबू जर गफफारी के लिए जब रील ने कहा अल्लाह के रसूल आसमानों में जितने फरिश्ते हैं ना ये अबूजर के आशिक हैं सब ये चाहते कि हम अबूजर की जाके खिदमत करें कहा वो वजह क्या है कहा ये दुआएं ऐसी पढ़ता है कि उन दुआओं से ऐसा नूर निकलता है कि उन फरिश्तों को लज्जत मिलती है देखिए

हारने वाला है ये हुरमला क्या है ये नफ से हारने वाला है ये यजीद क्या है नफ से हारने वाला है मगर हजरते हुर कौन है नफ पे जीतने वाले हैं तो अगर नफ्स को आपने शिकस्त दे दी हजरते हुर बन सकते हैं अगर शिकस्त खा गया कोई शिमर बन जाएगा अजीजान ग्रमी क्या हथियार है ये हथियार हदीस पैगंबर से और कुरान की आयत से है रसूल खुदा ने फरमाया हा सिबू